हम इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज में एट कोर कन्वेक्शन ऑफ द आयलो के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना याद रखिए। एट कोर कन्वेक्शन ऑफ आयलो, फोर्स्ड लेबर कन्वेक्शन, उसका नंबर कितना है? नंबर 29 है। इतना याद रखिए, यूपीएससी आपको नंबर देती है और उसके बारे में कन्वेक्शन कौन सा है पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग आर आंसर पूछती है। अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेक्शन, नंबर कितना है? 105। फोर्स लेबर का कन्वेक्शन कितना है? 105। इक्वल रेमुनेशन कन्वेक्शन, नंबर कितना है? 100 है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेक्शन, नंबर 111। मिनिमम एज कन्वेक्शन, इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। मिनिमम एज कन्वेक्शन नंबर 138 है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेक्शन, ये भी पूछा हुआ था। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेक्शन नंबर 182 है। इतना याद रखे, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेक्शन 182 है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइजर कन्वेक्शन, नंबर 87 है। इतना याद रखे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइजर कन्वेक्शन नंबर 87 है। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेक्शन कितना है? नंबर 19 है। इतना याद रखे, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेक्शन नंबर 19 है। इतना याद रखे, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था मिनिमम एज कन्वेक्शन और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेक्शन पे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। फोर्स लेबर कन्वेक्शन का नंबर 29 है। अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेक्शन नंबर 105। इक्वल रेमुनेशन कन्वेक्शन 100। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कन्वेक्शन 111। मिनिमम एज कन्वेक्शन 138। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर 182। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेक्शन 87। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेक्शन नंबर 98। इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड द टू कोर फंडामेंटल कन्वेक्शंस, इंडिया में टू कोर फंडामेंटल कन्वेक्शन रेटिफाइड नहीं किया है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेक्शन 1948 नंबर 87 एंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेक्शन 1949 नंबर 98। ये दो कन्वेक्शन इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया है। आल्सो C-190 वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेक्शन 2019 इंडिया इज एट टू रेटिफाई दिस। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।